नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों, मेरा हाजुर राम राम। मैं फिलहाल मौजूद हूँ सिसाने गांव में, सोनीपत जिला गांव है ये। यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई है जो एक बेटी की शादी की, माँ बाप ने सोचा खुशियाँ आएंगी, लाडो पराई हो जाएगी, अब बाहर आएंगी, लेकिन एक साल भी नहीं हुआ वो खुशियाँ सारी मातम में बदल गई। मतलब 10 महीने शादी को हुए और आज बेटी वो 2 दिन हो गए इस दुनिया में नहीं है। हमारे पास में ये मातृ शक्ति हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आज इनका क्या कसूर था, वो जो बेटी इस दुनिया में नहीं है उनका क्या कसूर था। तो मेरे पास में काफ़ी माताएं बहन हैं और ख़ास तौर पर बातचीत करूँगा मैं जो लड़की की माँ है, इनसे 2-4 बात जानना चाहूँगा मैं और आपके सामने रखेंगे। बहन जी थोड़ा आगे। बहन जी राम राम सारी होगा। आप माँ है बेटी की? हाँ। के नाम था बेटी का? मोनिका। कितनी उम्र होगी बहन जी उनकी बेटी की आज? 21 साल की, 20 फरवरी ना होगी। और शादी को कितना समय हो गया? 10 महीने, 4 नवंबर की थी। 10 महीने के अंदर आपने शादी भी कर दी, लाडो पराई भी, खुशियाँ भी देख ली और बेटी की जान भी चली गई। के गुना कर दिया था आपने भी, बेटी ने भी, जो ये दिन देखने पड़ रहे आज? हमने कोई गुना नहीं करा, जो करे अगले ने करा है। माँ बाप के गुना कर सका अपनी बेटी के लिए। आपके बच्चे कितने बहन जी? 3, 2 लड़के 1 लड़की थी। बेटी अकेली थी? हाँ। भाइयों की भी सारी उम्र की, भाई दोज, राखी, बंधन सब तबाह हुआ? सब। इकलौती बेटी थी? इकलौती बेटी थी। ये बड़ी थी सबसे? ना, दूसरे नंबर वाली थी, बीच वाली। इससे बड़ा बेटा है? इससे बड़ा बेटा है। शादी हो रही उनकी भी? नहीं, दोनों को आ रही। अक्सर माँ बेटी के बीच में कोई छुपाव नहीं होता बहन जी, मानते होगे आप लोग। तो बेटिया के नाम था अपनी का? मोनिका। मोनिका के आपके बीच में कोई छुपाव शायद नहीं होगा? ना, कोई छुपाव नहीं। के बता रहे थे ससुराल पक्ष ने लेकिन किस बात को झगड़े होती, के कहानी बीत रही थी उसके साथ? कुछ दिन तो वह ठीक रही है, फिर कुछ दिन बाद उसने इतना टॉर्चर करने लग गया दहेज के मामले में भी। एक तू ट्रक ड्राइवर की बेटी है, कुछ लेकर नहीं आई, हमने तो बेराना था पहले, आई रास्ता ले लिया, भूखे घर की आ गई। इन सासू भी, बटेऊ भी, देवर भी ये ताने मारन लग गए, तू यो काम नहीं करती, ऐसे है ऐसे नहीं है। देवर छोटी छोटी बातों में तो जिक्र, उसने कदे साथ नहीं दिया ना, भाभी कह के बोला उसने कदे भी। इन्हू टॉर्चर करा करता अपनी माँ के साथ, तू न्यू कर रही है, न्यू कर रही है, मेरे कपड़े नहीं धोए तेने, न्यू कर दिया न्यू। उसने मतलब तीनों मानस इतने परेशान रखने लगे थे तो बहुत गणी। अगर ट्रक ड्राइवर है और पूरा दान दहेज नहीं दे सकता तो उसका मतलब बेटी की बलि चढ़ना है? बलि चढ़ा दी मेरी बेटी की तो चढ़ा दी बाप, देखो। इसमें उनका क्या कहना है, क्या हुआ बेटी के साथ में, कुछ खाया है या वारदात हुई, के भी थे उसके साथ? उनका हमने तो पता ही नहीं के कहे हमें, पर जितने भी देखी है रिपोर्ट में आओगी, रमन सान देखी है, सब ने कहा मार रखी है, मार के फांसी पर लटका रखी है, उसके हालात ऐसे थे जिन्हें देखी है मेडिकल में। उसके कोई निशान चोट पेट के? पाया पे भी निशान, हाथा पे भी, सिर फोड़ रखा, सिल्ली माँ का निशान है, मुँह लीला कर रखा, गति सारी लीली हो रही थी। एक और बहन जी, जैसे आम तौर पे आदमी बच्चे ने बेटा हो चाहे बेटी हो, ब्याह उठा हुआ है, वो क्यों मरना चाहो है? मतलब अगर उन्होंने ये कर्म करा है, आप लोग सच कह रहे हैं, जैसे निशान पड़ रहे हैं, बेटी की जान चली गई, इससे बड़ा सबूत तो कोई है नहीं? निशान तो उसके हाथ पर पहले भी मारपीट कर रखी है, वे भी हैं, वीडियो भी हैं, वे हमारे फोन में। तो उनके पीछे वजह क्या होगी, क्यों मारी होगी? दहेज के मामले में मारी है और क्यों मारी है, ना तो बूंदी थी, पसंद भी थी उनके, आप ले गए थे, हमने के बेराई इस बात का, ये तो वे जान, उनके मन में के था के ना था। आज कह दिन होगी बेटी को यहाँ से दुनिया से जाए? शुक्रवार ने, शुक्रवार को, चौथा, 4 दिन हो, चौथा दिन हो गया, चौथा दिन, 3 दिन। आपने शिकायत दी है? हाँ, और पुलिस रिपोर्ट कर रखी है। किस किस की शिकायत दी बहन? कमलेश की, बट और किस किस को दोषी मानो, कौन कौन, क्या क्या लगते हैं? परिवार में सास और देवर और उसका पति, तीन ने थे बस, ससुर नहीं है, एक्सपायर हो रहे हैं। उनके घर में चाचा था, उन्होंने नहीं बताया कि आप तो, आपने बताया कि पहले कभी दहेज मांग रहे, हमने परेशान कर रहे, हमारा बजट नहीं है। चाचा हमने खोल करके ब्याई थी कतरे एक चीज की, नहीं तो मैं हमारी बेटी खेत में जागे नहीं, डांगरा का कर रही, घर का सारा काम करेगी, और यो इतनी मारी औकात है नहीं, बोले हमने कुछ नहीं चाहिए, रास्ता करके गई जब तक। कितनी पड़ी थी मोनिका? मोनिका नाम था ना? हाँ। कितनी पड़ी थी? ये सेकेंड ईयर कर रही थी। उसके पहले उसका हस्बैंड कितना पढ़ रहा था?
हस्बैंड का तो पता नहीं हुआ, अमेजोन कंपनी में लग रहा है, कितना पढ़ रहा है, बी ए कर रहा है वो भी मेरे हिसाब से। आज आप लोग क्या चाहते हैं बहन जी? मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहूँ। तीनों मानस जेल में बंद चाहिए मन, उनका ताला लगना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। बस जो मेरी बेटी तड़फा के मारी है, वही तड़फने चाहिए तीनों मानस। जो बेटी का चोट फेटाई है उसकी फोटो वगैरह होंगे आपके पास? हाँ, इन बड़का दौरे पाऊंगी, इन पूछ लियो, मेरे बेटे थे, इन दौरे फोन आया करते, उसके सारी आने सब कुछ मेरे तत्वा बताया भी कम न्यू करती, कि मम्मी का टेंशन हो जाएगी, थोड़े भाई तब बत्ती बात कराया करती वाइस तय। इससे पहले भी झगड़ा हुआ बहन जी, किस बात को लेकर हुआ था? अक्सर जो बताया हुआ आपको बेटी मोनिका, ये छोटी छोटी बात है। आज दूध ना दिया सासू ने, आज शीत ना दिया, गोबर थोड़ा गिर गया, ये आज न्यू ना कराया था, आज वारी उठी, ये सारी इतनी टोचर रखने लगी थी, मतलब अलग उसका जीना आराम कर दिया था उन्हें कति। बेटी का दाह संस्कार आपने यही कराया उसके ससुराल में कराया है उनके शीशाने गांव में? ये मानते नहीं आप लोग के लोक लाज के मुताबिक कहा जाए कि भाई हमारा कल्चर भी बेटी ब्याह था, ये लाडो पराई हुई, डोली उठी लेकिन अर्थी अगले पक्ष से उठेगी ससुराल में से। अगले पक्ष तो जब उठेगी ना, जब वो कामल मानस होंगे, उन्हें कुछ ना कर रखा होगा, वो सारे बाज रहे हैं, कौन उठाओ घर तीन है, घर पे कोई है नहीं, एक भी नहीं आया मेरी बेटी नु लेने, उसके पीर के आए थे, मेरे उनका कुनबा एक भी नहीं था, जो हमने दे दे थी ना सास ना देवर ना बटे, वो हम किसने देखा वहाँ? हॉस्पिटल में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया हमारे आगे सिर्फ। बहन जी आप लोग क्या लगते हैं मोनिका? भाभी के लग गया आपने, जैसे बहन जी बता रही है माँ मोनिका की सही कर रही है? सही कह रही है, मोनिका मार रखी थी, लिल्ली कर रखी थी, न्यू मुँह कर रखा था कति, हाथ पाया पे निशान थे, ये निशान थे, और दहेज के लोभ में न्यूना लाई न्यूना लाई न्यूना लाई। पहले बताया करती, और जानते भी नाटे थी छोरी के मम्मी में जा कौन, फिर मम्मी ने सजा बजा के खंदा दी, कोई बात ना ले देखा बेटी का बस जाता घरों जुड़े बच्चे का घरों जुड़े, जानते है उनकी, फिर वही बात, फिर ईसा काम जो कर दिया उसका जी के न्यू लकड़िया है, ये जी ले बाबा जी भी होगी किंगा ने पकड़ कर मारी है, हाथ पा बांधे हैं, फिर पैसी पर लटका दी, के इसा दिन खातर हम बेटिया ने पाला हाँ अपनिया ने अकागले का हाथ चढ़ा दे। एक और चीज बहन जी, हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 50 साल। फिर आप नाते में मोनिका वैसे भाभी, बाकी तो आपके बच्चे जैसी होगी? हाँ बच्चों जैसी है, हाँ बच्चों जैसी। इस झगड़े में चाहे सास बहू का हो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, इस झगड़े में लड़की है क्यों मारी जा? लड़की है और आदमिया ने कौन मारा वो सांड ने? बेटिया की बलि क्यों चढ़ है? बेटिया की बलि न्यू चढ़ है, दहेज ना मिलता, दहेज के कारण मार गरी। उस टाइम ब्याह था ही होगी, समान हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सारा दिया होगा, सब कुछ दिया था जब तक, फिर और आग लागेगी कुछ देने ते बेटिया घर नहीं बसता, हाँ। उनकी भूख बढ़ जानी हो, उनकी भूख बढ़ गई और वो आप लोग बढ़ाने लगे, दहेज के लालच में मार दी। इब हम तो ये इंसाफ चाहवा, हाँ उनके गिरफ्तारी भी नहीं हुई अब तक, गिरफ्तारी हो ताला मंद है, तीनों घर के जेल काटे सजा काटे जब तक इंसाफ मिले। इस काम के लिए बहन जी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, पुलिस प्रशासन उसका वेट कर रही है, जो मेडिकल रिपोर्ट आओगी उसमें पता बताया जाएगा ये मारी गई है या मरी है, तो पुलिस है पुलिस तो भी तो टॉर्चर करके मरी होगी, ये बताओ ना, बिना टॉर्चर करे ताड़ ना खाई उसने फांसी। आपका एक क्वेश्चन बहुत भारी है ये टॉर्चर के पीछे, जिस दिन जनता ये जानने लग जाएगी ना कि बच्चे दिल पे क्या टॉर्चर है, वो टॉर्चर दिमाग से निकलने लग जाएगा, उस दिन बेटियां भी स्कूल में बच्चे भी शान से जिएंगे, इज्जत की जिंदगी जिएंगे पूरी, बिना टॉर्चर उस नाड फांसी ना खाई कदे, ये बताइए टॉर्चर करे बिना। एक और चीज जी बहन जी क्या बता रहे? वो सासू ना मरी बटे ना मरिया, वो देवर ना मरिया, मेरी बेटी क्यों मरी उनका? अक्सर जब झगड़ा उनके परिवार में हुआ है तो उसमें एक मिनट, देवर जेठ सास बीच में है, सारे बीच में झगड़ा हुआ होगा, ये क्यों मरी? सासुए तो सारे काम करो, अरिवा तो सारे कट्ठे एक लिए न मारेंगे उन न कौन मारे। अक्सर वो बड़े बुजुर्ग का ना बहन जी, खरबूजा चक्कू पड़ जाओ चाहे खरबूजे पर चक्कू पड़ जाओ, बलि चढ़नी है बेटी है, बेटी है की बेटी है की सेवा करे अगर मेरी 24 घंटे बात के लिए बटे बात गया करता, मैं पेंशन ले दे बहन जी, थोड़ा बहन जी आगे हो जाओ, पेंशन ले तो अच्छी बात है ना, बच्चा काम चल जाएगा आगे,
मेरी बेटी का के कर दिया, फिर उन्हें पेंशन लेकर अपना घर चलाया होगा। मेरी बेटी का तो कुछ नहीं कराया 10 महीने में उन्हें। आज अगर पुलिस प्रशासन हमारे उच्च अधिकारी आपकी बात सुना है, उन तक ये वीडियो पहुंचे, क्या कहना चाहोगे बहन जी उनसे? बस मैं इंसाफ चाहूँ, कुछ नहीं कहना चाहती। तीनों मानस की उम्र कैद होनी चाहिए, उनका ताला लगना चाहिए, मोर कुछ भी नहीं चाहती। बस मतलब जो है उनकी सजा मिलनी, सजा मिलनी चाहिए तीनों मानस। सासू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, घर काम करे और गांव में लुक जा, काम करे और गांव में लुक जा, उसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हो और न्याय मिले। और एक और बात है बहन जी, माले बच्चे ने गलती कर दी या झगड़े में कोई गुनाह हो गया हो तो भागने से, एक बार भागने से और बड़ी गलती हो जाए। गुनाह हो गया, गुनाह कर दिया मान ले लड़की ने, तो लड़की ने वापस छोड़ जाते इधर कि हम नहीं रखते। लड़की ने कुछ कर भी दिया मान ले थोड़ी मोड़ी बात तो छोड़ जाते, हम अपने दोबारा भेज देते। दोबारा होता बहन जी, कोर्ट है, प्रशासन है, झगड़े भी हुए हैं और तलाक भी हुए, घर भी बसे हैं, घर भी बसे हैं, सारे काम हुए हैं, सारे काम हुए हैं। जान देने से, जान लेने से कोई हल नहीं होता। जान लिए पाछा ही धन मिल गया, नहीं मिले ना किसी को नहीं, तो फिर ईब वा खुले आम रानी घूम रही तो उसकी गिरफ्तारी तो चाहिए कम से कम। जनता कई बार यूं माने बहन जी, अगर परिवार मौजूद है ये कहना चाहो डायरेक्ट आप तक फोन कर दे, भाई आ जाओ बच्चे ये गलती कर दी और वो इन्वॉल्व नहीं हो इस कसूरदार में, ये कसूरदार नहीं हो तो परिवार सोचे है वही न, पता भी नहीं है बच्चा उतावलेपन में कई बार गुस्से में बीपीआई हो जाए, गलती कर बैठा है, दोनों परिवार बैठ के सुलह कर ले हैं। अगर वे आज से पहले शुरू दिन तक अच्छी छवि लेके आ रहे हैं, फिर भी माँ बाप ने सोचेगा भाई परिवार बढ़ गया है इनका दोबारा बसवा देना चाहिए। कई बार हुआ है ना, अच्छी छवि करके ले लेते, उसने मान लिया खुद ने फांसी खा ली, तो इधर बुलाने का हक था ना, बिल्कुल फोन करके ये बोलते कि आ जाओ थारी बेटी ने न्यू कर लिया, उड़े अम्मा दाग दवा काम है, उन्हें फोन भी नहीं करे भी, और आगे तक भी ये मानो है परिवार बढ़िया, लड़का बढ़िया है, कोई बेटी दी अड़ोस पड़ोस में गाँव को मांग कर बसवाने की सोचे। मारी है लड़की, बस लिली लिली कर रखी थी, पूरा मुंह लीला, हाथ पा लीले, लड़की मारी आँख पे आँख लीली हो रही, यो मैं आड़ा खून लाग रहा और यो लीला सारा, और पाछा टांग दी गले में भी ने सारा। मतलब ये साफ साफ तस्वीर देख के बता रहे हैं आप लोग के बीमारी हो, मारी है, मारी है। आपकी बात भी बहन जी, अगर हमारे उच्च अधिकारी बड़े अफसर हैं उनके कानों में जाए, के कहोगे आप लोग? हम ये कहेंगे हमें न्याय चाहिए। आज ये परिवार कुछ लालच में डिमांड में नहीं है और इंसाफ की मांग कर रहा है, इंसाफ मिलना वाजिब भी है। एक बेटी की जान गई है मात्र 10 महीने शादी को, मोनिका हत्याकांड जिसकी इकलौती बेटी हो, 2 भाई हो, जिंदगी भर के ना के उनके त्यौहार राखी भाई दोस्त बंधन सब ध्वस्त हो गए हैं। आज परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। आज हमारे उच्च अधिकारी आला हैं, उनके पास में अगर हमारी वीडियो आती है तो इसमें गहनता से पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस बेटी मोनिका के लिए एक ओम शांति का कमेंट जरूर डालना, ताकि इसमें आज इनको सपोर्ट नहीं मिलती तो कल को बेटी आपकी खोई जा सकती है। आज जनता को एकजुट होकर रहना चाहिए, इसको दो ही चीज़ें मांगते हैं, बेटी के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए ओम शांति और इसको शेयर करना ताकि इनको इंसाफ मिले। आज आपका शेयर करना एक चिंगारी बनेगी, वो चिंगारी ही इंसाफ दिलाएगी। थोड़ा कहने को जा समझना और बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद, सत्य में जयते हैं।